Everyone, in this video we are going to start a new chapter, chapter number 8, how do organisms reproduce. सबसे पहले हम इस चैप्टर के कंटेंट के बारे में देख लेते हैं कि हमको इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स को कवर करना है. फर्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ DNA इन रिप्रोडक्शन, सेकेंड सेक्शुअल एंड एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड पॉइंट इज मोड्स ऑफ एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन, फोर्थ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फिफ्थ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. और इसके अंदर हम दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंड इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ DNA इन रिप्रोडक्शन. सबसे पहले आप रिप्रोडक्शन से क्या समझते हैं? रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज. आप अगर अपने चारों तरफ देखो तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या बर्ड्स हो, तो सारे ही ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को. लेकिन क्यों? सपोज करो कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस ही ना करे तो क्या होगा? देन देयर वुड बी नो वन टू रिप्लेस देम. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एनिमल का, हमको मालूम है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर इवेंचुअली डाई. तो जब उनकी डेथ हो जाएगी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो उनकी प्लेस को लेने के लिए कोई और ऑर्गेनिज्म भी तो होना ही चाहिए ना, उन्हीं की स्पीशीज़ का. हम एनिमल्स की बात करें तो अगर वो रिप्रोड्यूस ही ना करें तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे विल डाई. तो एक समय के बाद में तो अर्थ पर उनकी स्पीशीज ही नहीं बचेगी. उनका मतलब जिस तरीके से अगर हम देखा जाए तो अगर हम कोई एनिमल अगर रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो जितनी उसकी जनरेशन है वो तो चलती रहेगी, लेकिन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में जब उनकी डेथ हो जाएगी तो उनके कोई एविडेंस ही नहीं होगा अर्थ पर. सो इसीलिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हर स्पीशीज़ एक लाइफ स्पेन के बाद में एग्जिस्ट नहीं करेगा अर्थ पर. तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उसके रिप्लेसमेंट में भी हमारे पास में उसकी स्पीशीज़ होनी चाहिए. इसीलिए रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है. एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन दैट यू एंड आई आर ऑन दिस अर्थ टूडे. क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं होता तो आप और मैं भी नहीं होते अर्थ पर. तो रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्पीशीज़ का सर्वाइव करने के लिए. अब रिप्रोडक्शन की तो बात हो गई. अब आपने देखा होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हो, बर्ड हो, तो वो अपनी ही सेम स्पीशीज़ को ही, मतलब उसी के जो न्यू ऑफस्प्रिंग रहते हैं वो उन्हीं को प्रोड्यूस करता है. जैसे कि हम किटन का एग्जांपल लेते हैं, उसका जो बॉडी डिज़ाइन है वो बिल्कुल सिमिलर है किससे, कैट से. हम पपी का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जो पपी का जो डॉग का मतलब जो डिज़ाइन रहता है वो बिल्कुल डॉग से सेम रहता है. ह्यूमन का भी एग्जांपल ले सकते हैं हम कि जो बेबी रहता है वो सिमिलर के रहता है उसके पेरेंट्स से, ठीक है. उसका जो बॉडी डिज़ाइन रहता है वो कैसा रहता है, ह्यूमन की तरह रहता है. तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? व्हाई ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस सिमिलर बेबी? तो इसका जो आंसर है वो है DNA, मीन्स deoxyribonucleic एसिड, ठीक है. deoxyribonucleic एसिड. अब देखो ये है आपका DNA का स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है DNA का. अब ये आपका सेल है, हम सेल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर बीच में क्या होता है, सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. और यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका सेंट्रोसोम, ठीक है. सॉरी, यहाँ पे क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जिसको इनलार्ज करके यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं. तो DNA क्या करता है, इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. इट हैज़ ब्लूप्रिंट्स यूनिक फॉर स्पीशीज एंड इंडिविजुअल्स. तो DNA के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन को लेकर जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ DNA. अब DNA क्या है? DNA हमारा इन्फॉर्मेशन सोर्स है जो कि प्रोटीन्स को बनाता है, एंड इट ऑल्सो परफॉर्म्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस. अभी होता कैसे, एक सिंगल DNA एक कॉपी बनाता है, फिर वो कॉपी बनाने के बाद में सेपरेट हो जाता है, एंड इट गिव राइज टू अ टू न्यू सेल्स. सपोज करो ये आपका एक DNA है, अब इसने क्या करा, एक कॉपी बना ली. अब ये जो DNA है जब सेल डिवीजन होगा तो ये फॉर्म आएगी आपकी, और सेल डिवीजन होने के कारण फाइनली आपके पास क्या हुआ कि आपके पास टू कॉपीज आ गई किसकी, DNA की, और दो न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो गए. सो दीज टू सेल्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं ये सिमिलर तो हैं बट दे आर नॉट आइडेंटिकल. जैसे अगर हम ह्यूमन स्पीशीज की बात करें तो सारी स्पीशीज सेम होती है, लेकिन हम लोग के फेस नहीं मिलते, हम लोग का बॉडी स्ट्रक्चर नहीं मिलता है. तो हम एक दूसरे के सिमिलर तो होते हैं लेकिन हम एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होते हैं. दैट मीन्स आप में और मुझ में बहुत सारे वेरिएशंस हैं. तो दैट मीन्स DNA जब कॉपी अपनी बनाता है तो वो सिमिलर तो होती हैं लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होती हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या आ जाते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं. अब ये वेरिएशंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि DNA जो हमारा बायोकेमिकल प्रोसेस है
तो उसमें वेरिएशंस तो आएंगे और उन वेरिएशंस का हमको फ़ायदा ही होता है, मतलब इसका कोई लॉस नहीं होता है। वेरिएशन में हम एक एग्जांपल लेते हैं बैक्टीरिया का। इसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया है, इसमें दो स्पीशीज है बैक्टीरिया की, ठीक है, एक ब्लैक है और एक रेड है। अब इसमें जो रेड वाले बैक्टीरियाज हैं वो हीट रेजिस्टेंस हैं, तो जब इन्वायरमेंटल चेंजेस होंगे जैसे ग्लोबल वार्मिंग है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये जो हीट रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरिया हैं तो ये उस टेम्परेचर को क्या कर लेंगे, टॉलरेट कर सकते हैं ये। लेकिन यहाँ पर जो ब्लैक वाली स्पीशीज है ये उस एनवायरनमेंट को टॉलरेट नहीं कर सकती है, तो ये वाली स्पीशीज यहाँ से क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस। और जो बचेगी वो कौन सी होगी, रेड वाली स्पीशीज होगी जो कि क्या है, हीट रेजिस्टेंस है। सो दैट मीन्स वेरिएशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल दी वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे गिव अस अ चांस टू सर्वाइव। तो ये था आपका रोल ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन। अब जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इट मीन्स ऑफस्प्रिंग अराइजेस फ्रॉम वन सिंगल पेरेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स एंड सेक्सेस। इट मीन्स यहाँ से जो एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा या कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा तो वो सिर्फ सिंगल पेरेंट से हो सकता है। और जब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इट मीन्स ऑफस्प्रिंग अराइजेस व्हेन बोथ द पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेस आर इन्वॉल्व्ड विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स और सेक्सेस। जैसे हम इन दोनों के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं, जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमें मालूम है कि उसमें सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमको टू पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, यानी कि दोनों का इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है, मदर की भी और फादर की भी। सेकेंड पॉइंट जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट शोज लेस वेरिएशन, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट शोज मोर वेरिएशंस। नेक्स्ट पॉइंट से गैमेट्स डू नॉट इन्वॉल्व। गैमेट्स का मतलब होता है जो आपके सेक्स सेल्स जो होते हैं उनको हम गैमेट्स बोलते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और जो गैमेट्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स हैव अ सिंपल बॉडी डिज़ाइन। उसका अपोजिट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका कैसा बॉडी डिज़ाइन होता है, सिंपल कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन होता है। तो यहाँ पर आपका रोल ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, व्हाट इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया है, और जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो हम हायर क्लासेस में आगे स्टडी करेंगे, टेंथ में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डीएनए का स्ट्रक्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था आपके कंटेंट में, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, और ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है।